अस्सलाम वालेकुम, माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ नारियल की मिठाई। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें ये देख सकते हैं आप, ये बटर है। बटर वैसे तो देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर डालें तो ज़्यादा बेटर है। बटर से बहुत अच्छी स्मेल आती है इसकी। ये देखें, ये गार्निशिंग के लिए है। और ये है पिस्ता, और ये बादाम, ये अखरोट, ये आप देख सकते हैं। ये चीनी ले ली थी मैंने 1 कप, और ये साथ में ये वो कार्डेमन। 3 अंडे जाएंगे इसके अंदर। ये नारियल का 1 मग, ये आप देख सकते हैं, और सूखे दूध का 1 मग। चले आए हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये देखें, लाइट सा ब्राउन ब्राउन कलर आएगा इसका। चम्मच इसमें बराबर से आपने हिलाते जाना है, क्योंकि इसके लगने का बहुत फिर होता है कि ये लग जाएगा नीचे, तो कलर भी खराब होगा और जायका भी खराब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इलायची को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, ये इलायची सारी इसमें जाएगी। इलायची से इसकी खुशबू बिल्कुल चेंज हो जाएगी। नारियल की और इसकी इलायची की खुशबू मिलके बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी। ये देखें, ये भून रहा अच्छे से। ये देखें, अच्छे से इसे भून लूंगी। ये देखें, ये देखें, ये ब्राउन हो रहा है। साथ ही इधर दूसरे पैन में मैं डालूंगी पानी का एक ग्लास। पानी का ग्लास डाल के इसमें मैं चीनी डालूंगी इसका शीरा बनाने के लिए। चाशनी बना लूंगी, रेडी कर लूंगी मैं इसको। ये देखिए, पतली पतली रखनी ही, ज्यादा थिक नहीं करनी है। ये देखिए, डाल दिया। ये देखिए, अब ये चाशनी रेडी होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। बस ऑलमोस्ट ये डन होने वाली है। ये देखिए, ये अंडे मैंने जो आपको दिखाए थे ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। ये अंडे डाल के मैं इनकी भुनाई करूंगी अच्छे से, उनको मिक्स करूंगी साथ में। साथ ही साथ इधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है। ये देखो, आपको अगर अंडा कम लग रहा है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि अंडा कम है ज़्यादा नहीं है, आप अंडा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखो, ये अब एक क्लोजर लुक ले रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, अंडा सारा इसमें मिक्स हो गया। ये देखें, इसको आप इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि अंडा नज़र ना आए, अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये देखें चाशनी सारी ड्राई हो गई, और ये देखें मिठाई ने अपना आप छोड़ दिया। ये देखें, चाशनी ड्राई हो गई, घी निकल आया सारा। थोड़ा सा मैं इसको और भूनूंगी। ये देखें, आप देख सकते हैं साइडों पे घी, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने डिश आउट कर दिया, कैसे गर्मा गर्म धुएं निकल रहे हैं इसके। ये आप देख रहे हैं। अब इसमें मैं गार्निशिंग करूंगी, जो मैंने आपको ड्राई फ्रूट दिखाए थे वो डालूंगी। बारीक काट लिया था सारा, मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूंगी।
ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने ये ड्राई फ्रूट सारे इसके अंदर डाल दिए, ऊपर गार्निशिंग कर दी मैंने, ये देखें। अब इसको ऐसे बिठा लूँगी मैं, प्रेस करूँगी इसके साथ, फिर ये थोड़ी देर के लिए फ्रिज में जाएगा। ये देखें, ये बच्चों के लिए भी बड़ा मुफीद है, बच्चों के दिमाग के लिए। वैसे तो आजकल बच्चों के दिमाग काफ़ी तेज़ चलते हैं, लेकिन और तेज़ चला है तो फिर बच्चों को ये खिलाएं आप ज़रूर। नारियल वैसे ही बहुत मुफीद है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। ये आप देख सकते हैं, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी फ्रिज में रखने से ठंडी हुई है। अब इसको मैं कट्स लगा रही हूँ, क्यूब्स की शेप में आ जाएंगे इसके कट्स जो है ना, ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं कट्स लगा के फिर दोबारा इसको फ्रिज में रखूँगी 20-25 मिनट्स के लिए। ये देखें, ये देखें, अभी इसको कट्स लगा लेंगे तो फिर इसकी ना क्यूब्स अच्छी रहेंगी। चलो अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी